सो टेक फैमिली, आज हम बात करेंगे स्मार्टफोन की, जो कि आप 12,000 के प्राइस रेंज में परचेज़ कर सकते हो। प्लस मैं आपको ये भी चीज़ बता देना चाहता हूँ यार, 12,000 से बजट ऊपर जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप दिवाली फेस्टिवल में परचेज़ कर लेते हो तो उसका प्राइस आपके प्राइस रेंज में सेट बैठ जाएगा। अगर आप कार से शॉपिंग करते हो तो आपको 1500 से लेकर 1500 का मतलब डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाता है। अगर उसका प्राइस 13,000 हुआ ना तो आपको 12,000 के प्राइस रेंज में स्मार्टफोन मिल जाएगा यार, और क्या चाहिए। अभी बात कर लेते हैं नंबर 3 की। तो नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 पर यार मैंने रखा है सैमसंग की ओर से स्मार्टफोन। तो यार कई बंदे होते हैं जिनको लाइक चाइनीज स्मार्टफोन नहीं चाहिए होता, नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए होता है। तो भाई अगर आप भी उनमें से आते हो, आप जा सकते हो सैमसंग के स्मार्टफोन की ओर। प्लस भाई जो स्मार्टफोन मैं अभी आपको रिकमेंड करने वाला हूँ ना, इसकी डिस्प्ले क्वालिटी बेस्ट होने वाली, इसकी कैमरा क्वालिटी भी आपको प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए बेस्ट मिलने वाली है। तो अगर आपको डिस्प्ले बेस्ट चाहिए, अगर आपको कैमरा बेस्ट चाहिए, तो आप इस स्मार्टफोन की ओर ज़रूर जाना। मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी M32 की। तो आपको 13,000 के प्राइस रेंज में मिलेगा, लेकिन अगर आप कार से शॉपिंग करते हो आपको 1500 का डिस्काउंट मिल जाता है। मतलब आपको 11,500 के प्राइस रेंज में ये मिल सकता है अगर आप कार से शॉपिंग करते हो। 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज के साथ मिलेगा। वैसे ये दो कलर्स में देखने को मिलता है, ब्लू एंड ब्लैक कलर में। आपको 6.4 इंच के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इसमें डिस्प्ले क्वालिटी आपको बेस्ट देखने को मिलने वाली है। तो यार अगर आप नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो यूट्यूब वीडियो देखने के ज़्यादा शौकीन हो, आपका एक्सपीरियंस बेस्ट होने वाला है। प्लस ये 90 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिल जाती है। तो इतने प्राइस रेंज में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले कोई भी स्मार्टफोन ज़्यादातर आपको नहीं प्रोवाइड करता। एक सैमसंग स्मार्टफोन है, इसकी डिस्प्ले क्वालिटी सच में बेस्ट है, कोई मतलब कमी नहीं है। अगर आपने ज़्यादा मूवीज़ देखनी है, ज़्यादा गेमिंग वगैरह करनी है, आपका एक्सपीरियंस बेस्ट होगा। इनडोर एक्सपीरियंस एंड आउटडोर एक्सपीरियंस भी परफेक्ट होने वाला है। अगर मैं चिपसेट की बात करूँ, मीडियाटेक हीलियो G80 देखने को मिल जाता है, जो कि आप अगर आपने लाइक नॉर्मल सेटिंग पे गेमिंग करनी है ना तो करवा देगा, वहाँ पर भी दिक्कत नहीं आने वाली। मैंने आपको कहा था इसका कैमरा बेस्ट है, क्वाड कैमरा मिल जाएगा 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल के साथ सेल्फी मिल जाती है, एंड 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है सैमसंग गैलेक्सी M32 में। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया सैमसंग गैलेक्सी M32 के। तो यार तीन बंदों को मैं फिर से रिकमेंड कर देना चाहता हूँ, अगर आपको बेस्ट डिस्प्ले चाहिए, अगर आपको कैमरा क्वालिटी परफेक्ट चाहिए, एंड अगर आपको बिग बैटरी चाहिए, मतलब 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, तो दो दिन तो आपके नॉर्मली निकल जाएंगे, जितना भी यूज़ करना है आप कर सकते हो। कलर जो आपको पसंद आता है आप उस कलर की ओर जा सकते हो। जो बाइंग लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड भी कर दिया। अगर आपने सिर्फ चाउड करना है तो भाई आप चाउड वगैरह भी कर सकते हो, चाउड करने के कौन सा पैसे लगते हैं। अभी आगे बात करते हैं नंबर 2 की। सो नंबर 2 की बात करूँ, नंबर 2 पर यार मैंने रखा है रियलमी की ओर से स्मार्टफोन। मैं बात कर रहा हूँ रियलमी नार्जो 13 की। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ तो ये स्मार्टफोन भी ना आपको 13,000 के प्राइस रेंज में अप्रॉक्स देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप कार से शॉपिंग करते हो, इसमें भी आपको 1500 का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो अपने प्राइस रेंज में सेट बैठ जाता है अगर आप कार से शॉपिंग कर लेते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप कार से शॉपिंग नहीं करते तो भी एक्स्ट्रा पे कर सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते, जो आगे स्मार्टफोन बताऊंगा आप उसके और चले जाना, ठीक है। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलेगा। 6.5 इंच के साथ आपको डिस्प्ले मिलेगी। IPS LCD देखने को मिलेगी, जो कि 90 रिफ्रेश रेट के साथ मिलती है, ठीक है। मीडियाटेक हीलियो G95 देखने को मिल जाता है, जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। प्रोसेसर बेस्ट होने वाला है। गेमिंग वगैरह करना चाहते हो, हाई सेटिंग पे करना चाहते हो तो कर पाओगे, दिक्कत नहीं आने वाली। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 11 मिल जाता है। ट्रिपल कैमरा मिलेगा 48 मेगापिक्सल के साथ, 16 मेगापिक्सल के साथ सेल्फी मिल जाती है। प्लस आपको 4K ऑप्शन मिल जाता है बैक कैमरे में, लेकिन सेल्फी में आपको 4K ऑप्शन नहीं मिलता। 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। 30W के साथ फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। वैसे ये दो कलर्स में देखने को मिलता है, ब्लू कलर में एंड सिल्वर कलर में। यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको रियलमी स्मार्टफोन के भी बता दिया। तो भी अगर आपने रियलमी नार्जो 13 की ओर जाना है तो भी आप इस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो। प्राइस रेंज में मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको 13,000 के प्राइस रेंज में मिलता है। तो बाइंग लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। अगर आपने भाई चैगुड करना है आप चैगुड कर सकते हो। अभी ज़्यादा समय खराब नहीं करते, बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 की बात करूँ, नंबर 1 पे यार मैंने रखा है मोटो जी फॉरन फ्यूजन को। तो यार अगर आपको कैमरा बेस्ट चाहिए, प्रोसेसर बेस्ट चाहिए, बिग बैटरी चाहिए, तो आपके लिए ये स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है। बिकॉज इसकी बैक कैमरे में आपको 4K ऑप्शन मिल जाता है, इसकी सेल्फी में भी आपको 4K वीडियो ऑप्शन मिल जाता है, जो कि किसी और स्मार्टफोन में ये चीज़ नहीं देखने को मिलती है। एंड इसका जो लुक है, इसका जो डिज़ाइन है, आपको सच में पसंद आएगा। तो अगर आप मोटोरोला लवर हो तो आप इसके और जा सकते हो। प्लस आपको ना एंड्रॉइड स्टॉक एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है, लाइक
जैसे ना रियलमी के स्मार्टफोन में या रेडमी के स्मार्टफोन में एड्स वगैरह आती रहती हैं या प्री इंस्टॉल आपको एप्लीकेशन वगैरह मिल जाती है, वो चीज़ आपको इस स्मार्टफोन में नहीं देखने को मिलती, जो कि एक सच में प्लस पॉइंट आ जाता है। तो आप इस स्मार्टफोन को जरूर जरूर करना। बात करते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की, तो 4GB रैम प्लस 64GB वेट जो है वो आपको लाइक 12,500 के प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा। 6.78 इंच के साथ आपको IPS LCD मिलेगी, स्नैपड्रैगन 732G देखने को मिल जाता है, ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल के साथ सेल्फी मिल जाती है, 6000mAh की बैटरी मिल जाती है मोटो जी फॉर इन्फ्यूजन में। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया मोटो जी फॉर इन्फ्यूजन के, तो भाई अगर आपने स्मार्टफोन की ओर जाना है आप जा सकते हो। मैं ज़्यादा डीपली बता सकता हूँ लेकिन इसीलिए नहीं बता रहा बिकॉज ना आपका प्रॉफिट होने वाला है ना मेरा प्रॉफिट होने वाला है, वीडियो का लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, वो चीज़ मैं नहीं चाहता, ठीक है। अभी मैं कंक्लूजन की बात कर लेता हूँ कि कौन सा स्मार्टफोन किसके लिए बेस्ट होने वाला है। तो अगर आपको कैमरा बेस्ट चाहिए, मेरी रिकमेंड आपको यही है कि आप मोटो जी फॉर इन्फ्यूजन की ओर जाना बिकॉज उसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। एंड अगर आपको डिजाइन लुक वगैरह मैटर करता है, बिग बैटरी चाहिए, तब भी आप मोटो जी फॉर इन्फ्यूजन की ओर जा सकते हो। उसका जो प्रोसेसर है ना स्नैपड्रैगन 732G वो भी सच में बेस्ट है, अगर आपको गेमिंग वगैरह भी करनी है वो भी करवा देगा, ठीक है। अगर आप रियलमी लवर हो आप रियलमी नार्जो 13 की ओर जा सकते हो, लेकिन अगर आपको सैमसंग का ही स्मार्टफोन चाहिए तो सैमसंग गैलेक्सी M32 आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकती है। तो तीन कैटेगरियाँ मैंने तीनों के अकॉर्डिंग बता दिया, गेमिंग के लिए भी बता दिया मैंने आपको, बिग बैटरी भी बता दिया आपको, बेस्ट कैमरा भी बता दिया, डिज़ाइन लुक वगैरह तो आपने खुद चेकआउट कर ही लिया। जिसका डिज़ाइन लुक वगैरह आपको पसंद आता आप उस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। तीनों के बाइंग लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दिया। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। थैंक यू।